आपके अपने चैनल जीआईटी एजुकेशन में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। जीएसटी की सीरीज में आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह है टैक्स रीड सेटअप ऑन स्टॉक ग्रुप, यानी स्टॉक ग्रुप पर हम एचएसएन कोड और जीएसटी का परसेंटेज कैसे अपडेट करते हैं। फ्रेंड्स, यह टॉपिक उस समय सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आता है जब आपकी कंपनी में जीएसटी से पहले यानी जुलाई 2017 से पहले के ढेर सारे स्टॉक आइटम हों और आपको उनको बल्क में अपडेट करना हो। बल्क का मतलब एक साथ अपडेट करना हो, तो उस समय ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमने एक डाटा प्रिपेयर कर रखा है। इस डाटा को आप ध्यान से देखें। एज्यूम करिए कि हमारी कंपनी कंप्यूटर हार्डवेयर में डील करती है और यह सारी हमारी कंपनी के स्टॉक आइटम हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो, ये एक कीबोर्ड है और इसकी कैटेगरी लेनोवो इसलिए रखी गई क्योंकि ये लेनोवो कंपनी का है। इस पर जीएसएन कोड 847160 और जीएसटी 18% अप्लीकेबल होता है। इसी तरह कंपनी में ये 20 स्टॉक आइटम हैं जिस पर अलग अलग कोड है, जीएसटी परसेंटेज है, इनके ग्रुप अलग हैं, कैटेगरी अलग है। अब इन सारे स्टॉक आइटम को हमें जीएसटी में अपडेट करना है, तो वो कैसे करेंगे उसको हम लोग डिटेल में यहाँ पर कवर करेंगे। स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी अपडेट करने के दो तरीके, हम दोनों तरीके आपको यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं, आप ध्यान से देखें। पहला तरीका, आप इन्वेंट्री इन्फो में जाएं और इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद आपको टैक्स रेट सेटअप पर जाना है। ठीक, टैक्स रेट सेटअप पर जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर जीएसटी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जितने भी स्टॉक ग्रुप हैं जहाँ पर आपने एचएसएन का कोड और उसका परसेंटेज नहीं भरा है आप यहां से उस पर सेट कर सकते हैं। आप यहां पर राइट साइड में देखेंगे तो सेट रेट का ऑप्शन है और यहां से आप आसानी से सेट कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है अल्ट के साथ यस। तो एक एक करके हम सब पर जो है अपडेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उस आधार पर। हमारे पास सबसे पहला डाटा है कीबोर्ड और इस पर हमको जीएसटी अपडेट करना है, तो हम यहाँ से आ जाते हैं कीबोर्ड पर, कीबोर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड से अल्ट यस बटन दबाते हैं या सेट रेट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम सेट रेट पर क्लिक करते हैं इस तरीके से एक नई विंडो खुलती है जहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड, ये सारी चीज़ें भर सकते हैं। तो चूंकि यह प्रकार का कीबोर्ड है इसलिए हमने इसको डिस्क्रिप्शन में कीबोर्ड डाल दिया और यहाँ पर हम इसका देख रहे हैं एचएसएन कोड 847160 है, 847160 हमने भर दिया। यहाँ पर टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और जीएसटी यहाँ पर चूंकि 18% दे रखा है इसलिए जीएसटी हम भी 18% फिलअप करेंगे। अब आप देखिए तो कीबोर्ड पर ये अपडेट हो गया है। चलिए एक और अपडेट करके आपको दिखा दे रहे हैं। सेकंड जो है हमारा है प्रोजेक्टर, इसे हमें अपडेट करना है। तो अब लिस्ट में आपको देखना है कि प्रोजेक्टर कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रोजेक्टर ये है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से वही अल्ट यस बटन दबाएं। अब यहाँ पर हम भरेंगे प्रोजेक्टर और प्रोजेक्टर पर जो कोड लगना है वो है 8528690 और यहाँ पर हम इसको टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और 28% यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो ये पहला तरीका था जिस माध्यम से हम स्टॉक ग्रुप पर जीएसटी लगाते थे। यही काम हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर डिस्प्ले में जाएं और डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर हमें जाना है स्टेचरी रिपोर्ट्स में और फिर जीएसटी में जाएं। और जीएसटी में जाने के बाद फिर हमको यहाँ पर जीएसटी रेट सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। यानी आप इन्वेंट्री इन्फो में जिस तरह सेट कर रहे थे सेम यहाँ से भी सेटअप करेंगे, वही स्क्रीन आपके सामने दोबारा आएगी और यहाँ से भी उसी तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। चलिए तीसरा जो हमारा है वो है प्रिंटर। यहाँ पर जो चीज़ें रिपीटेड हैं हम उनको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि उनके एचएसएन कोड और जीएसटी के परसेंटेज सेम है। तो यहाँ जो तीसरी चीज़ है वो है प्रिंटर, तो हम यहाँ पर आसानी से प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से अल्ट एस पर क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पर प्रिंटर सेलेक्ट टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद इसका कोड हमको भरना है 847160
इसको टैक्सेबल ही रखना है और यहाँ पर 18% हमने सेटअप कर दिया। सेम ऐसे एक और करके देख ले रहे हैं। अगला है हमारा स्कैनर, तो हम यहाँ पर स्कैनर लगा देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। आप देखें तो स्कैनर पहले से ही अपडेट है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ से हमें इस जीएसटी के परसेंटेज में कोई मॉडिफिकेशन करना है या कोई चेंजेज करना है या हटाना है, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं इनफोर्स रेट का। जैसे इनफोर्स रेट पर हम क्लिक करेंगे, ये चीज़ें हमारे पास दोबारा आ जाएंगी। ठीक, अब यहाँ पर कुछ भी चीज़ इन्फोर्स करने से पहले यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है, दिस विल बी सेट जीएसटी फॉर द स्टॉक ग्रुप स्कैनर, यानी स्कैनर स्टॉक ग्रुप पर ही अप्लीकेबल होगा। सेकेंड चीज, दिस विल आल्सो इरेज टैक्स डिटेल फ्रॉम सब ग्रुप एंड आइटम, यानी यहाँ से अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वह आपके सब ग्रुप पर भी अप्लीकेबल होगा और आइटम पर भी अप्लीकेबल होगा। और यहाँ से आप अगर इसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि आपने कितनी बार अपडेट किया है, तो कीबोर्ड से अल्ट एल बटन दबाएं आप इस तरीके से, और यहाँ से आपको पूरी डिटेल बताएगी जितनी बार आपने अपडेट किया है उतनी बार यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ भी हमें कुछ अपडेट नहीं करना है ना कोई मॉडिफिकेशन करना है, इसलिए हम यहाँ से स्केप से बाहर आ जाएंगे। अब सपोज करिए स्कैनर से हमें हटा ही देना है जीएसटी का डिटेल, तो हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे या फिर क्लियर डेट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लियर डेट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्कैनर से जो भी चीज़ें अप्लीकेबल हैं वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ आज की क्लास हम लोगों ने ये सीखा कि स्टॉक ग्रुप पर हम किस तरीके से जीएसटी बल्क में लगाते हैं। फ्रेंड्स, इससे फ़ायदा ये मिलता है कि हमें सारा चीज़ अपडेट करने का एक लोकेशन मिल जाता है एक साथ, और जहाँ से हम ये जजमेंट कर सकते हैं कि अभी कौन कौन से स्टॉक आइटम हैं जिनका जीएसटी अभी अपडेट नहीं है। जैसे यहाँ पे आप लिस्ट में देखिए, एडाप्टर है, बेसिक फ़ोन है, कंप्यूटर केस, अभी इस पर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है, यानी यह मेरी अकाउंटिंग का पेंडिंग वर्क है जिससे अपने डाटा को हमें बाद में अपडेट कर सकें। तो उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी।